हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो बिहार पुलिस के अंतर्गत मद निषेध विभाग का जो फॉर्म आया है, जो इसमें 76 सीट है दोस्तों, इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर कैसा लगाना है दोस्तों। इसमें बहुत से लोग गलती कर रहे हैं फ़ोटो और सिग्नेचर लगाने में। इसमें दोस्तों किस प्रकार का हमको फ़ोटो इसमें लगाना है, अपडेट करना है, वो हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है कि कैसा फ़ोटो हम इसमें अपना लगाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा भाग में जाएंगे फॉर्म भरने, तो यहाँ आपको रंगीन एवं 2 माह के अंदर का खींचा हुआ यहाँ फोटो दिख रहा है कि चाहिए, जिसका दोस्तों बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। आप जो भी फ़ोटो लगाइएगा उसका बैकग्राउंड वाइट रखिएगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बैकग्राउंड व्हाइट ही चाहिए, सफ़ेद ही चाहिए। दोस्तों फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा 15 से 25 KB के अंदर आपको रखना है, और JPG फॉर्मेट में। और सिग्नेचर में दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में करना है साइन, काला या नीला दोनों में से किसी एक से भी आप कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर कीजिएगा, और प्लेन पेपर व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करके इसमें अपलोड करना है। इसका भी साइज़ दोस्तों 15 से 25 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत सारे गलतियां लोग कर रहे हैं दोस्तों। जब आप फोटो क्रॉप कीजिएगा तो आपके कंधे के लगभग थोड़ा सा नीचे से आप क्रॉप करना है आपको, और उसको अपलोड करना है। बस यही जानकारी था दोस्तों आज के लिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।